सफलता करिए इंस्टीट्यूट। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए पर्यावरण से संबंधित कुछ मोस्ट वांटेड क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं, जो कि टेट यूपी टेट स्पेशल है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस उत्तर प्रदेश टेट में जो है कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, उनसे रिलेट करके हम थोड़े से पर्यावरण के बारे में आपको जानकारी देना चाह रहे हैं। स्टार्ट करते हैं पर्यावरण के बारे में कि कैसे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, कैसे किन कंटेंट्स की चर्चा की जाती है, या कौन सा टॉपिक पढ़ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कौन सा टॉपिक हमें छोड़ना इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले चीज जानना जरूरी है कि कौन सा छोड़ना इम्पोर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं 100% पढ़ाई करते हैं, जबकि हम लोगों को मात्र जो है 40% ही पढ़ाई करनी चाहिए। चलिए कुछ जो हम लेकर के आए जो पर्यावरण से संबंधित रिलेटेड मैटर्स को पहले उन पर चर्चा करते थे। चलिए स्टार्टिंग करते हैं आप लोगों से, सब सिलेबस की चर्चा करेंगे। आप लोगों को मालूम है कि यूपी टेट में आपको मालूम है कि पांच जो है पांच सब्जेक्ट है, इसमें से आपका एक जो है सब्जेक्ट आपका इन्वायरमेंट भी है। अगला क्वेश्चन अगर लिख करके पूछेगा, लिख करके पूछना क्या मैटर ऑलरेडी पूछ चुका हुआ है इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट शब्द या पर्यावरण, तो ये पर्यावरण एक उसमें जो टॉपिक है सब्जेक्ट है, इसकी लिख करके पूछेगा इसकी डिफिनेशन क्या होती। सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिरकार हम किसके बारे में पढ़ाई करना जा रहे हैं, यानी कौन सा कोई चीज है आप माइंड में मैप बन के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि पर्यावरण की डिफिनेशन अर्थात परिभाषा क्या होती है। चलिए पर्यावरण की परिभाषा देखते हैं। पर्यावरण या इन्वायरमेंट की डिफिनेशन क्या होती है, इसकी डिफिनेशन होगी परिधान आवरण। क्या होगी? परिधान आवरण, अर्थात परिधान आवरण, परिकुल टू परिता, अर्थात चारों तरफ से घिरा हुआ, या जो ये हमको चारों तरफ से घेरे उसे हम क्या कहते हैं पर्यावरण। एक बार जो है नियर अबाउट मुझे लग रहा है कि 2016 में सेम क्वेश्चन यही पूछा गया है कि पर्यावरण की पर्यावरण की सही परिभाषा क्या, तो उसमें राइट आंसर जो हमारा आयोग ने वो परिधान आवरण। नेक्स्ट की चर्चा करते हैं। अगले अगर लिख करके पूछेगा कि इन्वायरमेंट अर्थात पर्यावरण लिख करके पूछेगा कि किन किन कंपोनेंट से मिलकर के निर्माण हुआ है, कि पर्यावरण का निर्माण किन किन कंपोनेंट से मिलकर के होगा, तो आपको ऑरेंज की पहला कंपोनेंट है जिसे हम कहते हैं जैविक घटक अर्थात बायोटिक कंपोनेंट्स, अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसे बायोटिक कंपोनेंट्स, और नेक्स्ट हम कहेंगे अजैविक घटक जिसे हम कहते हैं नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स। क्या कहते हैं? नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स। अब पहले चर्चा करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स की, जिन्हें हम कहते हैं जैविक घटक। जैविक घटक की डिफिनेशन जानना जरूरी है, अर्थात हम बायोटिक कंपोनेंट्स या जीवीय कारक या जैविक घटक किसे कहेंगे। टेट वगैरह में ऐसे लेकर के क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें यह है कि बायोटिक कंपोनेंट्स ऑलरेडी वो कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें ऑलरेडी जीव विद्यमान होते हैं। अर्थात पुनः एक बार रिपीट कर देते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट्स या जैविक घटक वो घटक होते हैं जिनमें ऑलरेडी जीव विद्यमान होते हैं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, पेड़ पौधे, जीव जंतु और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे हम कहते हैं सूक्ष्म जीव, इनमें क्या ऑलरेडी जीव विद्यमान है, आपको यह मालूम है कि इनमें जीव विद्यमान है। अर्थात पुनः एक बार रिपीट करते हैं इसकी डिफिनेशन कि बायोटिक कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट होते हैं जिनमें ऑलरेडी जीव विद्यमान हो। क्लियर? नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगला कह रहा है एबायोटिक कंपोनेंट्स या नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स करेंगे, अर्थात अजैविक घटक। अगर लिख करके पूछेगा कि पर्यावरण का निर्माण या पर्यावरण की सही परिभाषा क्या है, तो राइट आंसर क्या होगा कि पर्यावरण का निर्माण बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से मिलकर के होता है, जिसमें जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों आ जाते हैं। अब हम चर्चा करते हैं आप लोगों से नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स की। नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स की डिफिनेशन या इसका इंटेंशन क्या होगा जानना जरूरी है, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि बायोटिक कंपोनेंट्स, बायो कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट्स में मैंने आप लोगों को यह बताया कि ऐसे कंपोनेंट्स जिसमें ऑलरेडी जीव विद्यमान हो। नॉन बायोटिक में क्या होगा? कह रहा नॉन बायोटिक, नॉन इक्वल टू क्या होगा? नहीं होगा। क्या नहीं होगा? जो ऑलरेडी बायोटिक कंपोनेंट्स होंगे नॉन में क्या होंगे? नहीं होंगे। अर्थात ऐसे कंपोनेंट जिनमें जीव विद्यमान ना हो उन्हें क्या कहेंगे? नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, प्रस्तर जिसे हम कहते हैं पत्थर, नेक्स्ट है टेम्परेचर और नेक्स्ट है आपका वर्षा। अगर ऐसे कंटेंट मिले तो आपको मालूम है कि क्या है, ये नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों मुझे ये विश्वास है, आई होप मुझे क्लियर है कि आपको ये समझ में आया होगा, और समझ में अगर आया होगा तो कमेंट जरूर करें, अगली चर्चा करते हैं। ये तो अभी हमने कंपोनेंट्स की चर्चा की, बायोटिक कंपोनेंट्स और नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, इसकी डिफिनेशन के साथ साथ मैंने इसका एग्जांपल भी दे दिया। इससे रिलेट करके एक क्वेश्चन की चर्चा करते हैं आप लोगों से। एक बार क्वेश्चन लिख करके पूछा हुआ है टेट में कि इनमें से कौन सा जीवीय कारक नहीं है, अर्थात इनमें से जीवीय कारक का मतलब क्या हुआ? बायोटिक कंपोनेंट्स नहीं है। मैं दोस्तों आप लोगों को देता हूं ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है पेड़ पौधे, नेक्स्ट है जीव जंतु, और नेक्स्ट है आपका सूक्ष्म जीव जिसे हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। लास्ट में जाएगा प्रस्तर, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? प्रस्तर। क्यों? क्योंकि कह रहा है इनमें से कौन सा बायोटिक कंपोनेंट्स नहीं है, अर्थात बायोटिक कंपोनेंट्स नहीं होने का मतलब कह रहा है कि कौन सा नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स है।
राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट तारीख। ये क्वेश्चन आपके ऑलरेडी शायद 2013 या 14 वाले पेपर में आए हुए हैं, तो यूपीटेट वगैरह के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है। हालांकि हमारी संस्था से या सफलता करियर इंस्टीट्यूट से बहुत सारे क्वेश्चन लगातार प्रतिवर्ष लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए अच्छा ही जा रहा है। चलिए नेक्स्ट अगले टॉपिक की चर्चा करते हैं, इसी में से कुछ और इससे रिलेटेड मैटरों की चर्चा हम करते हैं एनवायरमेंट से संबंधित। अगले पर आइए, आप लोग पूछेगा कि अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस या पर्यावरण दिवस की स्थिति को मनाते हैं, तो आपको मालूम है कि पर्यावरण दिवस एक सिंपल सा क्वेश्चन है साहब, ग्रुप डी से लेकर के अपर लेवल जितने भी क्वेश्चन आज तक बने हैं या जितने भी पेपर्स हो रहे हैं वन डे कॉम्पिटेटिव एग्जाम सभी में ये क्वेश्चन आ रहा, एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्वेश्चन है जो है हर पेपर में आ रहा। चर्चा करते अभी 2018-19 दोनों में पूछा हुआ कि पर्यावरण दिवस प्रति वर्ष हम किस तिथि को मनाते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा 5 जून। क्या होगा 5 जून, अर्थात पर्यावरण दिवस मनाने का जो है अंतरराष्ट्रीय स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में जो है दिन या तिथि डिसाइड की गई जिसे कहा गया 5 जून। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% चांस इस क्वेश्चन के आने के लिए। आपने देखा होगा कि पुराने कई ऐसे पेपर जिसमें ये लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसमें लिख करके पूछेगा कि पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाते हैं हम 5 जून को। अगली चर्चा करते हैं इन्वायरमेंट से संबंधित, अगर आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो सबसे पहले यह जानना जरूरी कि पर्यावरण के बारे में कहीं उल्लेख है संविधान में हमारे। चलिए चर्चा करते हैं इस मैटर्स पे, ध्यान दीजिए आप लोग, इसमें आपका दिया हुआ आर्टिकल 48A, हम लोगों ने संविधान में भाग 4 में पढ़ा होगा डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अर्थात राज्य के नीति निदेशक तत्व, इनमें लिख करके पूछेगा ये किस भाग में, भाग संविधान के, तो भाग में 4 है, यानी किस भाग में इनका उल्लेख है भाग 4 में। तो आपको मालूम है कि डीपीएसपी इक्वल टू कितने वर्ड हो गए 4 हो गए, अर्थात एक सिंपल सा तरीका इसको याद करने के कैसे हो गए कितने 4 हो गए। अब इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 का भी उनका उल्लेख है, किसका उल्लेख है 48 का, की डिफिनेशन आपको बता देने कि 48 का की क्या डिफिनेशन है। 48 के में दिया हुआ है कि पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन एवं वन्यजीवों की देखरेख का जो है वो कर्तव्य होगा, ये किसका होगा राज्य का होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निदेशक तत्व, इनके डिवाइडेशन की बात करेंगे आर्टिकल 36-51, तो उसके अंतर्गत आपका आया 48A। तो अगर लिख करके पूछेगा कि अनुच्छेद 48A का संबंध किससे, पर्यावरण से, किससे है पर्यावरण से। नेक्स्ट अगले कंटेंट्स की चर्चा करते हैं, अगला क्या है आपने देखा कि आर्टिकल 51A लिखा हुआ, यदि आर्टिकल 51A लिखा तो कहीं आपने अगर संविधान की थोड़ी बहुत जानकारी होगी उसमें जरूर आपने पढ़ा होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 51A में पढ़ा होगा आपने यपडी में पढ़ा होगा, यपडी जिसे कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज अर्थात मूल कर्तव्य, तो ये मूल कर्तव्य में क्या पर्यावरण के बारे में कुछ ऐसा लिखा गया है, तो हमारा आपका कर्तव्य, ड्यूटीज का मतलब होता है कर्तव्य और राइट्स का मतलब होता है अधिकार। यहां हम लोग चर्चा करते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज जिसको आप लोगों ने भाग 4A अर्थात पार्ट 4A में पढ़ा होगा, इसमें दिया हुआ है कि टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या कितनी वर्तमान में 11, पहले कितने थे 10, लास्ट वाला जो 11th जोड़ा गया वो एजुकेशन से रिलेट करके मैटर को जोड़ा गया कि हमारा आपका कर्तव्य है कि शिक्षा के बच्चों के सुअवसर मुहैया कराएं। इसमें जब हम 7th नंबर ध्यान देंगे 51 के काम में 7th नंबर ध्यान देंगे तो उसमें ये है कि प्राणी मात्र के प्रति दया भाव आदि रखने का या पेड़ पौधों की मत जो है आदि रखने का ये जो दायित्व है ये हमारा आपका कर्तव्य, क्या हमारा आपका कर्तव्य। ये थोड़ी बहुत एक छोटी सी चर्चा आज की डेमो क्लास है, बहुत ही कम समय में थोड़ी से मैटर को लेकर के आएंगे, अगर आप लोग थोड़ा सा इसके लिए अगर प्रमोट करेंगे थोड़ी सी अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो जरूर हम पूछेंगे ना कोई वीडियो आपको लेके आते रहेंगे। अब ये तो थोड़ी बहुत चर्चा होगी हम लोगों की पर्यावरण के बारे में, और एक क्वेश्चन और यहां छूट रहा है इसकी चर्चा हम करते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अर्थात पर्यावरण को प्रिजर्वेशन करने का कार्य जो है किस अधिनियम द्वारा किया गया, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो आपका पारित हुआ 1986 में अर्थात 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। अगर इनकेस एक क्वेश्चन आप लोग शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, वह भी शिक्षक है, आप लोगों के लिए संस्था की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि आप लोग मेंटेन हो, और इसके साथ साथ आपको मालूम है कि 1986 में अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कब आई, तो आपको मालूम 1986। ऐसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वो भी 1986 का, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास 1986 के हैं, लेकिन कम से कम यह जानना जरूरी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ 1986 में। यही सेम क्वेश्चन 2018 के पीसीएस में आया हुआ, आप पेपर उठाकर के देख ले सकते हैं, ऐसे सिंपल क्वेश्चन का। और ये बायोटिक कंपोनेंट नॉन बायोटिक जो कंपोनेंट की मैंने बात किया है नियर अबाउट लगभग यूपी टेट
उत्तर प्रदेश स्टेट के 2013 के सेम पेपर में ही क्वेश्चन आया हुआ है कि पर्यावरण की सही परिभाषा क्या है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा टॉपिक हमारे पास और है, अभी तो ऐसी ही थोड़ी बहुत सिंपल चर्चा हो रही है, इकोसिस्टम। आप लोगों ने पढ़ा होगा इकोसिस्टम, अर्थात इसे हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। क्या कहेंगे? पारिस्थितिकी तंत्र। इकोसिस्टम का मतलब होता है तंत्र, बट इकोलॉजी का मतलब होता है इंडिविजुअल पारिस्थितिकी। अब इकोसिस्टम का जो है इसके बारे में चर्चा करने से पहले यह जानना जरूरी है कि इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। राइट आंसर क्या होगा? एजी टॉन्सले ने। आप लोगों सभी लोगों को रटा होगा, लेकिन मामला कहां पहुंचता जब अर्नेस्ट हेगल की बात आती है। इकोलॉजी इक्वल टू अर्नेस्ट हेगल, बट इकोसिस्टम इक्वल टू क्या हो जाएगा? एजी टॉन्सले। एजी टॉन्सले अगर लिख करके पूछे कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, एजी टॉन्सले ने। बट एक आगे अगर स्टेप जाएगा, क्वेश्चन पूछेगा किस वर्ष इन्होंने किया, 1935। नेक्स्ट इसी में लिख करके पूछेगा कि तालाब से, यानी यह जो हमारा इकोसिस्टम होता है यह तालाब से लेकर के कहां तक फैला होता है, महासागर। यदि इनके अगला क्वेश्चन यहीं से बने कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है, राइट आंसर क्या होगा? महासागर होगा। क्या होगा? महासागर। नेक्स्ट है ऊर्जा का प्रवाह, अर्थात इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो का जो रूल्स होता है क्या होता है, ये मल्टी डायमेंशनल होगा, क्या होता है? सिंगल डायमेंशनल, अर्थात क्या होता है? एक दिशी होता है। क्या होता है? एक दिशी होता है। तो इनसे थोड़े बहुत क्वेश्चनों की चर्चा हो चुकी है, और आगे जो है हम नेक्स्ट अगले वीडियो में थोड़े बहुत क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जितना ही लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब किए प्रमोट करेंगे अगर आप लोगों को, तो समय निकाल करके समय समय पर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम एटमॉस्फेयर अर्थात वायुमंडल से जुड़े हुए मैटर की चर्चा करेंगे। इसमें हम बताएंगे कि वायुमंडल में विद्यमान कैसे क्या है, क्या कॉन्सेप्ट इनका, लेयर्स की डिवाइडेशन की बात हम करेंगे कि सबसे पहले मंडल कौन है, नेक्स्ट मंडल कौन है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एनवायरमेंट का। थैंक यू।